नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें एक छिला हुआ नारियल चाहिए, थोड़े कड़ी पत्ते, एक इंच अदरक, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, हींग थोड़ी, एक कप चने की दाल, रिफाइंड ऑयल, स्वाद अनुसार नमक, चटनी पीसने के लिए पानी, थोड़ा सरसों। अब एक पैन गरम कर लेंगे जिसमें एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, उसके साथ एक कटोरी चने की दाल, हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। देखिए 1.5 से 2 मिनट के अंदर मेरी दाल रोस्ट हो गई है। अब इसे हम ठंडे पानी में धो लेंगे। अब इसको हम एक बाउल में धोने के लिए निकाल रहे हैं। रोस्टेड दाल को हम पानी में धो लिए हैं। नारियल के छिलके सफा करके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, अब हम इसे ग्राइंडिंग करेंगे। ये चटनी पीस के रेडी हो गई है। अब फिर से पैन गरम करेंगे, इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, अब इसमें मर्चा सीख देंगे। अब इसमें सूखी मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ते, थोड़ी हींग देके अच्छे से चलाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। देखिए हमारा तड़का रेडी हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम चटनी में डाल देंगे। देखिए अब हमारी चटनी रेडी हो गई।